Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture of biology is living bird in space and time. इसका मतलब ये है कि हम जो living bird है उसको हम space और time के अंदर study करेंगे. Then हम देख लेते हैं हम इस living bird को हम space और time के अंदर क्यों study करते हैं. आपने जिस तरह पढ़ा evolution के बारे में आपने सुना होगा. Evolution क्या बताया? Simple organism का multicellular organism में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अराइज करना क्या कहलाता है? मतलब एवोल्यूशन कहलाता है. इर्तका नजरिया, इर्तका के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना. फिर बात जब सिंपल ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट नहीं, यानी कि वो उन सिंपल ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अराइज कर देते हैं, तो उनका नंबर फिर उनका आहिस्ता से नंबर भी ज्यादा होता रहता है, ठीक है ना. फिर एक वक्त के अंदर जो होता है इतनी पॉपुलेशन को, नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, पूरी होल वर्ल्ड की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको स्टडी करना. सॉरी, इधर पॉपुलेशन नहीं है, इधर आएगा नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या हो जाएंगे अपना, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना. इनको एक वक्त के अंदर स्टडी करना जो होगा वो हमारे लिए मुश्किल होता है. तो देन हम क्या करते हैं भला, इसको हम स्पेस के अंदर स्टडी करते हैं और टाइम के अंदर स्टडी करते हैं. स्पेस के अंदर स्टडी करना क्या कहलाता है? मतलब बायोम कहलाता है. और टाइम में हम किस टाइम में किस चीज को स्टडी करेंगे? उसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम को स्टडी करेंगे. हम सबसे पहले हम देखते हैं बायोम किसे कहते हैं. बायोम क्या होता है? एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी, इलाकाई कम्युनिटी होती है, ठीक है. और जिसको डिटरमाइन, जो प्राइमरी डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, यानी उनको डिटरमाइन उस पॉपुलेशन को कौन 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 सी चीज कर रही होती है भला, उसका क्लाइमेट कर रहा होता है. मिसाल के तौर पर ग्रास लैंड के ऊपर चरने वाले जानवर ज्यादा होंगे, ठीक है ना. अंटार्क जो बर्फानी इलाके जो जहाँ होंगे, आर्कटिक रीजन जो होंगे, उधर भी जो होगा बर्फानी नीचे ज्यादा होगा. यानी कि उस इलाके ने हमें बता दिया है कि उधर इस तरह की पॉपुलेशन मौजूद होगी, ठीक है ना. अब बायोम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर भी है, बट इज बायोम. तो देन आपने क्या कहना बोला, अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, ये क्या बोला, इसको इस तरह लिख लेते, एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी को डिटरमाइन कौन कर रहा है, उसका क्लाइमेट कर रहा है, ठीक है ना. मसलन आपके तौर पर आपने एग्जांपल बुक के ऊपर लिखी हुई, आपने लिख ली ग्रासलैंड, ठीक है ना. ग्रासलैंड हो गया, फिर अंटार्कटिका, आर्कटिक रीजन जो होंगे आपके, ठीक है ना. फिर ये और डेजर्ट, डेजर्ट के ऊपर, ठीक है ना. उसके बाद ये तो बायोम, ये तो हमने लिविंग वर्ल्ड को हमने स्टडी कर लिया स्पेस के अंदर. कि स्पेस के अंदर स्टडी करना क्या कहता है भला, बायोम कहता है. बायोम क्या होती है भला, एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है जिसको डिटरमाइन कौन कर रहा था भला, उसका क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या भला, ईयर बाय ईयर जो चेंजेस आती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. और सीजन और वेदर क्या भला, डे बाय डे और मंथ बाय मंथ जो चेंजेस आती है उसको हम सीजन और वेदर कहते हैं. प्लस क्लाइमेट क्या भला, ईयर बाय ईयर चेंजेस का आना, ठीक है ना. फिर आ जाता है टाइम, जियोलॉजिकल. फिर लिविंग बर्ड को हम टाइम के लिहाज से कैसे स्टडी करते हैं, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कब इस दुनिया के ऊपर आया था, ठीक है ना. उस चीज को स्टडी करना क्या कहता भला, जियोलॉजिकल टाइम. जियो का मतलब अर्थ, लॉजिकल का लॉजिकल मतलब स्टडी करना टाइम, यानी कि उसका अर्थ के ऊपर आने वाला टाइम क्या था, ठीक है ना. आपको पता है जिस तरह फिर आपके आपकी बुक के ऊपर नीचे चार्ट बना होगा, उधर जो है उधर डिफरेंट तरह के ना इराज होंगे, सॉरी डिफरेंट तरह के इराज नहीं, फोर इराज होंगे, फेनेरोसिक, प्रोकैरियोसिक, मेसोजोइक और मेसोजोइक होंगे, ठीक है ना. अच्छा, फिर इन इराज के ऊपर जो होगा, यानी इन इराज के कुछ पीरियड्स भी होंगे, वो पीरियड्स आपने याद देखने, ठीक है ना. उन पीरियड्स के ऊपर ना कुछ इस तरह लिखा होगा, इस तरह की चीजें बनी होंगी, ठीक है ना. कि ये वाली चीज जो है वो एज ऑफ मैमल्स है, इसका मतलब है इधर आगे इस ब्रॉड रीजन का मतलब क्या होगा, कि इधर जो है इस चीज का नंबर, यानी कि मैमल्स का नंबर जो है वो ज्यादा हो गया था, शुरू में कम था, फिर ऐसा था, फिर कम होना शुरू हो गया, ठीक है ना. डायवर्सिटी इधर ज्यादा होगी, फिर कुछ मैमल्स एम्फीबियन का भी ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना. फिर बात करने का मतलब ये कि हमें किस तरह पता चलेगा वो चीज जहां इस अर्थ के ऊपर कैसे आई थी. हम दो चीजों से पता चला सकते हैं, एक तो सेडिमेंट, आपको आपने पढ़ा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है ना. ये रॉक्स एक टाइप होती है जो बेस्ट होती है फॉर फॉसिलाइजेशन. फॉसिलाइजेशन क्या है, पर फॉसिल बनने के अमल को हम कहते हैं फॉसिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना. हम जियोलॉजिकल किसी चीज का जियोलॉजिकल टाइम जो है वो टू थिंग्स से पता कर सकते हैं. कौन कौन सी दो चीजें हैं बना, नंबर वन जो है वो है उसका सेडिमेंट्री लेयर्स की, सेडिमेंट्री लेयर्स, और दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप. जो जैसा कि आपने फिजिक्स का एंड वाले चैप्टर में हाफ लाइफ वाला पढ़ा था चैप्टर, उधर ये हाफ लाइफ में उसने ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में बताया था.
सेडिमेंट्री लेयर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उस जी, ये वाली जो रॉक्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स होती है फोसिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होती हैं। इग्निशियस रॉक्स होती है वो नहीं होती क्योंकि वो लावे की वजह से बनी होती हैं, उसके अंदर फोसिल अच्छी तरह से नहीं बन सकते। अमेरिका सेडिमेंट्री रॉक्स होती है फोसिलाइजेशन के लिए बेस्ट होती है, ठीक है ना। अब मैं इधर थ्री लेयर्स बनाता हूँ, ये सबसे ओल्डर, ये सबसे ये उसके बाद वाली, ये सेकंड, ये उसके बाद वाली, ठीक ना। अच्छा, इस सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर फोसल पड़े हुए हैं, ये डिफरेंट तरह के फोसल थे, मैमल्स के टीथ हैं, कुछ बोन्स पड़ी हुई हैं, ठीक ना। अच्छा, कुछ किसी के जहाज पड़े हुए हैं, केनाइंस पड़े हुए हैं, ठीक है। इधर कुछ बोन्स वगैरह, टस्क वगैरह पड़ी हुई, ठीक है। अब सेडिमेंटरी रॉक्स होती है वो बेस्ट होती है फोसिलाइजेशन के लिए, फोसिलाइजेशन के कहते हैं फोसल बनने का प्रोसेस, ठीक है ना। अच्छा, जो सबसे ज्यादा ओल्डर होगी उसका टाइम वो पहले है, जो उसके बाद वो उसका सेकंड टाइम आएगा, ठीक है ना। फिर जो न्यू होगी वो रिसेंट होगी, ठीक है ना। अच्छा, इन लेयर्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे वो किसके अंदर ज्यादा होंगे बोला, जो न्यू को सबसे अंदर उसके अंदर ज्यादा होंगे क्योंकि वो अभी अभी बन रही है, ठीक है ना। जो बन चुकी है उसके अंदर आइसोटोप्स का मौजूद होना कम, मौजूद नहीं होंगे, कम होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर थोड़े से ज्यादा होंगे, इसके अंदर बिल्कुल नहीं होंगे। सबसे कम किसके अंदर होंगे, ओल्डर लेयर, ओल्डर सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर क्या होंगे बोला, जो होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं वो कम होते हैं, जो न्यू बनती है उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप कम होंगे वो पहले आई होगी, यानी कि वो चीज पहले सबसे पहले बनी होगी, और जिसके अंदर होते हैं अभी मौजूद है वो चीज कम अभी बनी होगी, ठीक है, वो न्यूर होगी, ठीक है ना। मसाल के तौर पर अगर आपको अभी कोई मंकी वगैरह का, कोई मंकी वगैरह के आप फॉसिल बना हो 200 साल पहले, लेकिन डायनासोर जो वो बहुत पहले के थे, ठीक है ना, 200 साल पहले से भी पहले के थे। अब उनका अब एक लेयर में पड़े हुए डायनासोर के फॉसिल, एक में पड़े हुए बोला मंकी के, तो कौन सी चीज पहले आई होगी बोला, डायनासोर पहले आए होंगे, ठीक है ना, ये आपने बात याद रखेगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि हम कार्बन डेटिंग से भी क्या कर सकते हैं बोला, फॉसिल किसी चीज की एज को फाइंड कर सकते हैं कि उसके अंदर कार्बन की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है ना। ये डिफरेंट तरह की डेटिंग होती है, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा कार्बन, उसके अंदर कार्बन, उस बोन के अंदर हम कार्बन कंटेंट देखेंगे कितने, अगर कार्बन कंटेंट कम है तो इट्स मीन तो वो पहले, वो बहुत देर पहले की है उसकी, वो इतने मिलियन ईयर अगो की है। अगर वो न्यू है तो उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब वो भी रिसेंटली 10-20 साल पहले की वो कोई चीज पड़ी होगी, ठीक है ना। इसमें से आपने दो चीजें याद रखनी है, एक तो वो आपकी बुक के ऊपर जो इराज और पीरियड्स हैं उनके नेम आपने याद रख लेने, प्लस उधर जो मैंने अभी इधर आपको बल्क सा बना के बताया था, इसका मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कब आई थी, एज ऑफ मैमल्स क्या था, एज ऑफ रेप्टाइल्स क्या थी, एज ऑफ बर्ड्स क्या थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है, फिर दूसरी चीज याद रखनी, हाउ कैन वी फाइंड द एज ऑफ रॉक्स बाय कंपेयरिंग द सेडिमेंटरी रॉक्स एंड थ्रू कार्बन डेटिंग, कि सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर किस चीज को कंपेयर करना बोला, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को कंपेयर करना, ठीक है ना, ये कहलाता है। इस इन दोनों चीजों की बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं बोला, कार्बन डेटिंग किसी चीज की, किसी रॉक्स की एज को फाइंड कर सकते हैं कार्बन डेटिंग की मदद से, और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के मौजूद होने की बेस के ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका फाइलेटिक लाइनेज, फाइलेटिक लाइनेज क्या बोला, आपने सुना होगा शिजराइन नसल, लेकिन सी का, बी का डिसेंडेंट कौन है, किसी चीज की, किसी फाइलेटिक लाइनेज में क्या होता है भला, ये एक लीनियर अनब्रोकन सीरीज ऑफ चेन होती है जिसके अंदर हम किस चीज को, जो कि एक हर आने वाली स्पीशीज जो होती है वो एक नई स्पीशीज को अराइज कर देती है। ए स्पीशीज ने बी स्पीशीज को अराइज कर दिया, बी ने सी को कर दिया, ए का एंसेस्टर क्या, बी का एंसेस्टर क्या भला, ए है, और ए का डिसेंडेंट कौन है, बी है,
ठीक है ना। बी का एंसेस्टर क्या बला, बी का डिसेंडेड कौन है, सी है, लेकिन सी का एंसेस्टर क्या बला, बी है, ठीक है ना। यानी कि ये एक लीनियर चेन है, ये अनब्रोकन सी, जैसे एक जिस तरह यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बना, ये एक बहुत बड़ी चेन आ जाती है, और हर चेन के अंदर बहुत सारे एंसेस्टर होंगे और डिसेंडेड होंगे, ठीक है ना। और हर आने वाला एंसेस्टर जो होगा वो एक नया डिसेंडेंट लेके जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें हर चीज का, अगर हमें किसी चीज का कंप्लीट फाइलेटिक लाइनेज मिल जाए, मिसाल के तौर पर मल्टी सेलुलर से यूनि, हमने यही देखा ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को राइज कर दिया था, ठीक है ना, हमने ये देखा। हमें इधर तक अगर ये पता चल जाए कि ह्यूमन से लेकर या आज के एडवांस मल्टी सेलुलर से लेकर यूनिसेलुलर तक तमाम के तमाम पता चलते हैं कि कौन कौन से इसमें एंसेस्टर आते हैं, कौन कौन से डिसेंडेंट आते हैं, तो हम इस हम एज की लाइफ का पता लगा सकते हैं। लेकिन हमें नहीं पता चलता, क्यों नहीं पता चलता, आपको मैंने बताया, जैसा कि आपको पता है कि जो फोसल्स होते हैं वो हार्ड चीज का बनता है, हार्ड बोन वगैरह का बनता है, ठीक है ना। कभी भी सॉफ्ट चीज का कभी फोसल नहीं बनेगा। हाँ, एक जरूर बात है, उस सॉफ्ट चीज का इंप्रेशन जरूर पड़ेगा, इंप्रेशन जरूर बन जाए। मिसाल को लीफ है किसी जगह के ऊपर पड़ा हुआ, तो वो लीफ जो होगा वो उस अर्थ के जहां अर्थ के जिस पार्ट के ऊपर पड़ा होगा वो अपना एक इंप्रेशन छोड़ देगा, अपना एक परछाई छोड़ देगा, ठीक है ना। लेकिन उसका फोसल नहीं बनेगा, ठीक है। फोसल हमेशा हार्ड चीज का बनता है, बोन्स का बनता है, टीथ का बनता है, जिसके जो चीज हार्ड होती है, ठीक है ना। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो तो दिखते भी नहीं, नजर भी नहीं आते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनका फोसल बनना तो दूर की बात, वो इंप्रेशन नहीं बना सकते। इस वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से जिन और सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म की वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बोन नहीं होती, उनके फोसल नहीं बनते, और इसकी वजह से हम एक कंप्लीट एंसेस्टर के लीनियज को नहीं बना सकते, और हमें इस वजह से इस अर्थ इस जिंदगी की उम्र का नहीं पता चल सकता, ठीक है ना। फिर आपकी बुक के ऊपर लिखा होगा इस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, इंसेक्ट में 53% है, फिर वैस्कुलर प्लांट्स के 90% लिखा होगा, फिर एनिमल्स लिखे होंगे अदर देन इंसेक्ट जो है, फिर कुछ प्रोटोजोआंस और एल्गी वगैरह की परसेंटेज दी होगी, वो आपने एमसीक्यूज के लिए आपने वो याद कर लेनी, ठीक हो गया। इधर तक आपका फैलेटिक लैंग्वेज हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं, जिस तरह आपने 9th क्लास के दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं, बायोलॉजिकल के अंदर मेथड के अंदर कौन कौन सी उसके स्टेप्स आते हैं, ठीक है ना, उनको हम डिटेल से अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।